आज हम ब्राउन पेपर पर हाई लो सर्व की कटिंग करना सीखेंगे। हाई लो सर्व में मेजरमेंट हमारा फुल लेंथ 40 इंच, अक्रॉस बैक 14 इंच, चेस्ट 36 इंच, वेस्ट 32 इंच, बॉडी लेंथ 16 इंच। अब हमारा जो ये मेजरमेंट है, इसी नाप के अनुसार हम सर्व की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फुल लेंथ लेंगे। फुल लेंथ हमारी 40 इंच है। फुल लेंथ में से हम बॉडी लेंथ माइनस करेंगे। हमारे मेजरमेंट में बॉडी लेंथ हमें दी हुई है। अगर नहीं दी होती तो हम निकालते कि हमें बॉडी लेंथ कितनी रखनी है, तो हम फुल लेंथ में से माइनस कर सकते थे उस टाइम। अब हमारे पास दोनों ही नाप है। 40 इंच हमारी फुल लंबाई है और हमारी जो बॉडी की लंबाई है वो 16 इंच है। बॉडी लेंथ माइनस हमने कहां से करनी है? फुल लेंथ में से। फुल लेंथ माइनस बॉडी लेंथ 40 इंच में से माइनस करेंगे 16 इंच इज इक्वल टू 24 इंच। बॉडी लेंथ प्लस सीम अलाउंस 16 इंच हमारी बॉडी लेंथ है, प्लस हम 1 इंच करेंगे सीम अलाउंस, 17 इंच पर हम कटिंग करेंगे बॉडी की। घेरे की लेंथ हमारी यहाँ 24 इंच निकल करके आई। 24 में सीम अलाउंस ऐड किया हाफ इंच, टर्निंग 1.5 इंच ऐड करने पर 26 इंच। 26 इंच हमारे घेरे की लेंथ, 17 इंच हमारी बॉडी की लेंथ हम कटिंग करेंगे इन दोनों लंबाइयों के निशानों से। आर्म होल और अक्रॉस बैक, अक्रॉस बैक हमारा यहाँ 14 इंच है, अक्रॉस बैक का हाफ किया 7 इंच अक्रॉस बैक हुआ। आर्म होल के लिए अक्रॉस बैक का हाफ प्लस हाफ इंच 7.5 इंच, चेस्ट 36 इंच, चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 11 इंच। 36 को डिवाइड किया 4 से 9 इंच, प्लस 2 किया 11 इंच। वेस्ट 32 इंच है, 32 को 4 से डिवाइड किया 8 इंच, प्लस 2 किया 10 इंच। अब यहां पर हमारी हाई लो की बात करें तो हाई हमारी बैक पीस में होगी घेरे में और लो हमारी फ्रंट पीस में होगी घेरे में। तो हमारी यहाँ 26 इंच हमें मिली हुई है लंबाई। 26 इंच रखेंगे हम बैक के लिए। अब 26 में से हमारी इच्छा अनुसार हम जितना कम करना चाहें हम फ्रंट में कर सकते हैं। 6 इंच करना चाहे 6 कर सकते हैं, 4 करना चाहे 4 कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस पे डिपेंड है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट में 20 इंच रखा है, मैंने 6 इंच इसमें माइनस किया है फ्रंट के लिए। ये आपको ध्यान देना है हाई लो में घेरे में। तो सबसे पहले हम बॉडी का निशान लगाएंगे। बॉडी के लिए ये देखिए मैंने ब्राउन पेपर लिया हुआ है। ये ब्राउन पेपर को इस प्रकार से फोल्ड कर लिया। ये फोल्ड साइड है, ये ओपन साइड है। बॉडी की लेंथ हमारी 17 इंच होगी, अक्रॉस बैक हमारा 7 इंच, चेस्ट 11 इंच, वेस्ट 10 इंच। ये देखिए सबसे पहले हमने यहां लंबाई का निशान लगाया। यहां से यहां तक हमने फुल लंबाई ली 17 इंच। 16 इंच तैयार करनी है, आधा इंच तीरे में ज्वाइन करने में और आधा इंच हम यहाँ घेरे को ज्वाइन करेंगे, तो हमारी 16 इंच बॉडी की लेंथ तैयार होगी जो कि हमारे मेजरमेंट में दी हुई है। अब हमें यहां पर तीरे का निशान लगाना है। फोल्ड साइड से ओपन साइड की तरफ आएंगे और 7 इंच पर ये निशान लगाएंगे। 7.5, 7.5 इंच हमारा आर्म होल निकल करके आया। 7.5 इंच हमने आर्म होल का निशान लगाया। 11 इंच चेस्ट का निशान लगाया। 10 इंच वेस्ट का निशान लगाया और चेस्ट के निशान को वेस्ट के निशान से आपस में मिला देंगे। ये हमारा फार्मूले के हिसाब से 10 इंच आया कमर, चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 11 इंच हमारी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमने लिया 7 इंच। फोल्ड साइड से ओपन साइड की तरफ हम यहां गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की लंबाई के लिए हम यहां पर 6 इंच, 6.5 इंच, 7 इंच जितना लेना चाहे उतना लेंगे और हम यहां पर इन निशानों को आपस में मिला देंगे। गले की शेप आप कोई भी कर सकते हो, जो भी आपको करनी हो। ये हमारे फ्रंट नेक की शेप हुई,
बैक के लिए जितना भी हम यहां रखना चाहे, बैक के लिए हम कम ज्यादा जितना रखना चाहे, 5 इंच रखना चाहे 5 इंच रख सकते हैं, चौड़ाई उतनी ही रहेगी, लंबाई कम ज्यादा हो सकती है। और गले की जो चौड़ाई है ये हमने लिया 2.5, 2.5 इंच फोल्ड साइड से ओपन साइड की तरफ। अब हमने यहाँ पर जो हमारा आर्म होल वाली रेखा है उसको 1/2 इंच पे ये निशान लगाना है, और जहां हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया हुआ है इस डाउन वाले निशान से हमें मिला देना है। अब हमारी ये जो डाउन की हमने तीरा यहां से यहां तक जो रेखा है उसका हाफ करके 1/2 इंच अंदर आना है। इस निशान को स्केल की सहायता से मिला देना है। फिर हमने यहां से इसकी शेप करनी आर्म होल की, उठाते हुए चेस्ट लाइन को ला करके मिला देना है। बैक आर्म होल के लिए जो निशान लगाए यहीं से हम उठाएंगे और चेस्ट लाइन को यहाँ पर लाके मिलाएंगे। तो ये हमारे सभी बॉडी जो कट करनी है उसके हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपने सर का जो घेरा है उसका निशान लगाएंगे। घेरे के लिए अगर हमें अम्ब्रेला कट घेरा बनाना है तो अम्ब्रेला के हिसाब से, प्लेन बनाना है तो प्लेन के हिसाब से हम यहाँ पर बनाते हैं। ये देखिए ये 10 इंच आया हुआ है हमारा यहाँ पर, और घेरे की जो लेंथ है हमारे 26 इंच। यहाँ पर ये मैंने ब्राउन पेपर को इस प्रकार से फोल्ड करके लिया है, ये ब्राउन पेपर ऐसे फोल्ड करना है फिर ऐसे फोल्ड करना है अगर अम्ब्रेला कट बनाना है तो, और अगर प्लेन बनाना है तो आपको इस तरीके से फोल्ड रखना है, ऐसे कुछ नहीं करना है। सिंपल बनाना है तो सिंपल में कुछ नहीं करना है, इस तरीके से हमने चौड़ाई लेनी है और लंबाई लेनी है। फ्रंट में कम लेंगे और बैक में ज्यादा लेंगे, वो हमारे जितना कम करना है वो हमारे ऊपर है। अब यहाँ पे सिंपल का तो ऐसे होता है, अम्ब्रेला कैसे लेना है ये देखना है हमें। ये इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है, जैसे मैंने ब्राउन पेपर को फोल्ड किया ऐसे ही फोल्ड करना है। ये जो हमारा किनारा है, ये नोक जो हमारी बनी है कॉर्नर पे, यहां से हम डाउन आते हैं जितनी हमारी कमर है, कमर हमारी यहाँ पर 10 इंच है, तो यहां पर हमारा जहां भी आपका 10 आए आप ऐसे निशान लगा देंगे। ये चौड़ाई आपकी यहां से इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पर हमें जो लंबाई का निशान लगाना है, ये देखिए 26 इंच तो हमने लेना है बैक की लंबाई और 20 लेनी है फ्रंट की लंबाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, इंची टेप को यहाँ पर रखना होता है और जितनी भी हमें लेंथ लेनी होती है, ये देखिए इंची टेप को यहाँ रखना है और हिलाना नहीं है। हिलाना कौन से, ये वाला, ये जहां से हमने मूव करना है इंची टेप का, लंबाई का निशान लगाना है, लंबाई हमारी यहाँ पर लगाना है। इस कॉर्नर पे इंची टेप को ऐसे पकड़ना है, बिल्कुल मूव नहीं करना है। घुमाना कौन से को है, ये ऐसे ऐसे घुमाना। तो हमें यहाँ पर जो बैक की लंबाई लेनी है वो हमारी है, ये देखिए कैसे निशान लगाने हैं, इस तरीके से। लंबाई हमारी 26 इंच है, जब आप 26 का निशान लगाओगे तो कॉर्नर पे ऐसे पकड़ेंगे। ये वाला हमारा मार्जिन होता है जो हमने लगाया, ये माइनस करना होता है। मान लो हमारे यहाँ 3 इंच आ रहा है, 4 इंच आ रहा है, 10 इंच आ रहा है, 5 इंच जितना भी आ रहा है वो माइनस करके हमारी, क्योंकि लेंथ तो हमारी यहां से मानी जाएगी ना, तो यहां से हमारी 26, 20, 24 जितनी भी होगी हमारी यहां से लेना है और ये वाला माइनस करना होता है। इंची टेप हम यहां से इसलिए पकड़ते हैं ताकि निशान बराबर लगे, कम ज्यादा ना लगे, बस यही कारण है। तो यहां पर हमने ये निशान लगाने हैं। अब हमारा यहां ये देखना है कि ये जोड़ आएगा, तो जोड़ हमारा कैसे हम लगाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ये निशान हमने लगाया बैक पीस के लिए, हाई हो गया। अब हमें फ्रंट पीस के लिए निशान लगाना, हमारा फ्रंट यहाँ 20 आ रहा है तो हम जैसे हमने बैक के लिए निशान लगाया उसी तरीके से हम फ्रंट घेरे का निशान लगाएंगे ऐसे। तो ये इंची टेप को हम ऐसे ही रखेंगे, नाप हमारा यहां से स्टार्ट होता है 20 इंच, हमारा यहां से
यहां तक 26 इंच हमारे यहां से यहां तक ये हमने निशान लगाए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने ये कमर का जो निशान लगाया इसकी कटिंग की, ये हमारे बैक घेरे की कटिंग, ये हमारे बैक घेरे की कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, ये जोड़ लगाना है। ये जोड़ सिर्फ ये देखिए हमारे बैक में आ रहा, तो सिर्फ बैक में ही लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक पीस को साइड में करना है पहले, यहां से क्योंकि इसमें हमें हाई लो बनाना है। तो हमारा जो जोड़ है ऐसे करेंगे, और ये वाला जो पीस है हम यहां पर ऐसे रखेंगे। ये देखना होता है ये सीधा है, ये सीधा है, इसको हम ऐसे रखते हैं। और ऐसे रखने के बाद निशान लगा लेते हैं या फिर हम डायरेक्ट कटिंग कर लेते हैं। बस आपको रखने का तरीका आना चाहिए। ऐसे रखा और हमें निशान लगाना है अपना गोलाई का। ये हमारे निशान लगे। अब हमने ये जो पीस है, इस पीस में से हमने ये जो निशान लगाया, इस निशान को हम ऐसे कट कर देते हैं। अब आपको जब आप ये कट करेंगे ये जोड़, तो एक चीज का और ध्यान देना है, ये जब हम कटिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग जरूर कर लेनी चाहिए किनारे को, क्योंकि इसमें जब हम सिलाई लगाएंगे तो उसमें भी मार्जिन जाता है। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये पीस सीधा है, ये पीस भी सीधा है। अब इसके ऊपर ओवरलैपिंग इतना रख लेना चाहिए जितना हमें सिलाई लगानी है, एक पैर का आधा इंच का। ये देखिए ऐसे, ये देखिए मैंने ऐसे करके ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर रख के आधा इंच तब कटिंग की है, क्योंकि ये दोनों में मार्जिन भी चाहिए होता है। कई बार क्या होता है ऐसे अगर बिल्कुल किनारे से किनारा मिला के कट कर दें तो वो कम पड़ जाता है जोड़। तो ये जब हम पीस कट करें ओवरलैप करने को ना भूले, ओवरलैप जरूर करें। ये हो गया, ये हो गया हमारा एक पीस। और जो हमने ये निशान लगाया है ये हमारा फ्रंट पीस। फ्रंट पीस में हमारा किसी प्रकार का जोड़ ही नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर हमारा लंबाई कम होने के कारण जोड़ नहीं लगेगा। तो ये हमारा फ्रंट पीस घेरे का और बैक पीस, ये फ्रंट है और ये बैक पीस। बैक पीस में हमने ये जोड़ लगाना है। अब हम बॉडी की कटिंग करेंगे। ये हमारे घेरे की कटिंग हो चुकी है। बॉडी की कटिंग करने के लिए जहां जहां से हमने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों पे हम कटिंग करेंगे। आर्महोल की कटिंग करते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले हम बैक शेप की कटिंग करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो कि हम फ्रंट शेप की कटिंग कर दे दोनों पीसों में। जब हम दोनों पीस की कटिंग एक साथ कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें कटिंग करनी होती है बैक शेप की। ये हमने आर्म होल के शेप की कटिंग की। अब हम गले की कटिंग करेंगे। देखिए गले की कटिंग करने के लिए भी सबसे पहले हमने ये बैक पीस की कटिंग की। ये देखिए अब ये कटिंग करने के बाद हम बैक पीस को निकाल देते हैं, उठा करके पीस को और बैक निकाल देते हैं। अब हमें फ्रंट आर्म होल की शेप करनी है। फ्रंट आर्म होल के लिए एक ही पीस को उठाइए, फ्रंट फ्रंट को, बैक में नहीं। और जो हमने निशान लगाए हैं इसी निशान को हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब गले की जब कटिंग करेंगे तो गले के लिए भी हमें क्या करना है, सिर्फ फ्रंट पीस में ही हमने कटिंग करनी है। ये मैं आपको एक पीस उठा के कटिंग करके इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि आपको समझ आ जाए कि ये हमारी जो है फ्रंट की है और ये बैक की है। अब यहां पर जो मैंने माना है ये पीस फ्रंट का और ये पीस बैक का,
जब आप कटिंग करेंगे तो आपके पास फोर लेयर होनी चाहिए, टू फ्रंट की और टू बैक की। तो ये हमारी बॉडी की कटिंग कंप्लीट हुई और ये हमारा फ्रंट घेरा, ये हमारा बैक घेरा, ये हमारे हाई लो सर्ग की कटिंग कंप्लीट हुई।